हेलो, नमस्कार दोस्तों। इंटरनेशनल रिलेशन के करंट अफेयर रिवीजन में ये हमारा पांचवा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम जो आईआर का करंट अफेयर है प्रीलिम्स 2018 के लिए वो डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो आई है ग्लोबल कंपिटिटर इंडेक्स के बारे में। तो देखते हैं जीसीआई के बारे में क्या न्यूज़ है। देखो, न्यूज़ तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है वो देख लेते हैं। तो ग्लोबल कंपिटिटर इंडेक्स है वो जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। और इसकी जो इंडिया में रैंकिंग आई है ग्लोबल कंप्यूटर इंडेक्स में वो रैंकिंग आई है 40, मतलब 137 कंट्रीज में से इंडिया के 40वीं रैंक आई है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है जिनेवा में। और देखो, हर साल जो ग्लोबल कंप्यूटर इंडेक्स के लिए सबमिट होता है, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक सबमिट होता है हर साल, जो कि जनवरी में किया जाता है। और इस बार हमारे प्रधानमंत्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो हमें इसमें जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो यही बन सकता है कि ग्लोबल कंप्यूटर इंडेक्स है वो कौन जारी करता है। ध्यान रखना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हो जाता है, क्योंकि ये काफी सारी रिपोर्ट वो जारी करता है। तो हमें जो मेन मेन रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज है वो आई है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। तो देखते हैं क्या है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। सबसे पहली बात यह कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो यूएनसीटीए द्वारा जारी की जाती है, अनटेक के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अनटेक का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसके यूनाइटेड नेशन के नाम द्वारा ही ये पार्टी, तो नाम से पता चल गया है कि भाई यूएन की एक स्पेशल एजेंसी है। तो हम इसके बारे में दो तीन पॉइंट्स और देख लेते हैं कि यूएनसीटीडी के बारे में, क्योंकि एक दो रिपोर्ट और भी जारी करती है। तो सबसे पहली बात तो है कि इस बार की जो रिपोर्ट थी ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसकी थीम क्या है। तो इस बार की जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो कि यूएनसीटीडीए के द्वारा जारी की गई थी, उसका नाम है, वो है बियॉन्ड एस्पेरिटी टुवार्ड्स ए ग्लोबल न्यू डील। यूएन की स्पेशल एजेंसी है, क्योंकि नाम से साफ साफ पता चलता है स्टार्टिंग में यू है ना, तो इससे हम समझ जाएंगे ऑब्वियसली। अगली बात इंपॉर्टेंट ये आती है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप है यूएनडीजीसी, उसी का एक पार्ट है यूएनसीटीडी। तो हमें ध्यान रखना है कि यूएनसीटीडी क्या है, यह यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप है, उसी का एक पार्ट है जो कि 1964 में बना था। काम क्या है इसका, इसका काम देखो यही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी ट्रेड हुई इन्वेस्टमेंट वगैरह रिलेटेड में हेल्प करना, मतलब ट्रेड वगैरह किस तरीके से उनको करना है तो उसमें थोड़ी हेल्प करना, इसके साथ इन्वेस्टमेंट में सपोर्ट देना ताकि उसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट जा सके और डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी उगा सके। देखो, मेनली जो जो वर्ल्ड लेवल के जो इंस्टीट्यूशन है ना, उनका एक ही काम होता है अगर मोटा मोटे तौर पर देखा जाए तो, कि भाई कैसे भी हो इकोनॉमी को आगे लेके जाना, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उनके ऑलमोस्ट अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिसका फिक्स टारगेट, उसके अलावा सभी के ऑलमोस्ट सेम से काम होते हैं, इकोनॉमी को आगे लेके जाना, इन्वेस्टमेंट वगैरह, इस तरीके के सारे काम। तो ये थोड़ा हमें कॉमन सेंस भी हम कहीं पे एग्जाम वगैरह में आंसर में यूज कर सकते हैं। अगली बात यह है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट और जारी की जाती है जिसका नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो ये यूपीएससी पूछ सकती है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी की जाती है, नहीं जाती। तो जी हाँ, बिल्कुल इसके द्वारा जारी की जाती है। दोनों रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है वो यूएनसीटीडी के द्वारा जारी की जाती है, जो कि यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज है वो है जियामीन घोषणा के बारे में, जियामीन डिक्लेरेशन के बारे में देख लेते हैं क्या है जियामीन डिक्लेरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसका यूपीएससी ये बनता है कि जियामीन डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। तो हमें ध्यान रखना है कि जियामीन डिक्लेरेशन है वो ब्रिक्स कंट्री से रिलेटेड है। ब्रिक्स का मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में चार पांच कंट्रीज है मेली, स्टार्टिंग में चार कंट्री थी, तो BRIC था, 2010 में साउथ अफ्रीका है वो इसमें ऐड हो गया था। तो अभी ब्रिक्स का जो नोवा समिट था वो चाइना में हुआ था, उसी दौरान जियामीन डिक्लेरेशन है उसका उसकी घोषणा हुई है, उसके हो है वो हुआ था। अब किससे रिलेटेड जियामीन घोषणा, अगली बात यह है इसमें किस चीज़ पे फोकस गया था। मेनली फोकस है वही बात है कि ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो आपस में एक्चुअली टेक्नोलॉजी है वो एक्सचेंज करेंगी, मतलब टेक्नोलॉजी में रिसर्च करेंगी, इनोवेशन को आगे लेके आएंगी, नवाचार को, आतंकवाद के लिए एक साथ मिलकर। तो वही काम मेनली इकोनॉमी वगैरह से रिलेटेड सारे काम होते हैं, आतंकवाद वगैरह के जो ग्लोबल लेवल के जो मुद्दे होते हैं उन पर एक साथ मिलकर काम करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट बात, ब्रिक्स के पांच मेंबर है, हमें पता है चार स्टार्टिंग में मेंबर थे ब्रिक्स के, और बाद में पांचवा मेंबर है वो साउथ अफ्रीका बना था 2010 में। और ये एक दो पॉइंट्स यहाँ पे समिट को लेके बन सकते हैं कि इसका समिट कहाँ कहाँ हुआ था। तो जो ब्रिक्स का फर्स्ट समिट था वो रशिया में हुआ था, और जो नोवा समिट है जो कि 2017 में हुआ था वो होता चाइना के जियामीन में, इसलिए वहीं पे जियामीन डिक्लेरेशन है वो हुई थी। और जो आठवां सेशन है वो होता इंडिया में 2016 में, और जो दसवां सेशन जो अभी होने वाला 2018 में वो होगा साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो ये हमें ध्यान रखना है कि दसवां सेशन जोहान्सबर्ग में, एक तो ये यूपीएससी यहाँ पे पूछ सकती है, और एक ये इंडिया में कौन सा होता, इंडिया में आठवां। तो देखो दो तीन हमें यहाँ थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जिन जिन ग्रुप का मेंबर्स होता है वहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछने के चांसेस वो हमारे लिए बढ़ जाते हैं। थीम क्या थी इस बार की थीम थी वो थी स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप फॉर ए ब्राइटर फ्यूचर। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है, अगला जो आर्टिकल है वो है वर्ल्ड मेरीटाइम डे 2017 के बारे में। तो वर्ल्ड मेरीटाइम डे 2017 है वो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। सबसे पहली बात, वर्ल्ड मेरीटाइम डे 2017 है वो आयोजित किया जाता है इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO के द्वारा, और सितंबर
28 को, मतलब 28 सितंबर को इसे आयोजित किया गया था। डेट वगैरह हमें याद रखने की कोई जरूरत है नहीं। अब हम आईएमओ के बारे में देख लें, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है इस, देखो ये यूएन की स्पेशल एजेंसी है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि आईएमओ है वो यूएन की एक स्पेशल एजेंसी है। 1959 में बनी थी। थीम क्या है इसकी 2017 की, थीम थी वो थी कनेक्टिंग शिप्स पार्ट्स एंड पीपल। मतलब सीधी सी बात ही है, देखो नाम से मेरी टाइम से पता चला कि समुद्र से रिलेटेड है। पहली बात तो ये तो हमें यह समझ में आ गई है। इसका काम क्या है, काम इसका ये है कि मेरी टाइम के मतलब समुद्र के बारे में अवेयरनेस फैलाना, पोल्यूशन वगैरह है उसको कम करना, समुद्र में जो भी कचरा वगैरह फेंका जाता है उसको रोकना, इसके साथ ही शिपिंग वगैरह होती है समुद्र से उसको मतलब एक तरीके से सुलभ है वो बनाना, क्योंकि जैसे पायरेट्स वगैरह काफी खतरा होता है तो उन सारी चीजों को एक तरीके से रोकने के लिए इसका जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाया गया है आईएमओ। तो यह इसका काम है समुद्र से रिलेटेड जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ध्यान रखना कि यूएन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, यहाँ पे हमें यूपीएससी कंफ्यूज कर सकती है। आगे चलते हैं, अगली जो न्यूज है वो आई है वर्ल्ड न्यूक्लियर इंडस्ट्री स्टेटस रिपोर्ट 2017 के बारे में। तो वर्ल्ड न्यूक्लियर इंडस्ट्री स्टेटस रिपोर्ट 2017 है, इसमें एक दो रोचक फैक्ट आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की बात आई तो इसमें यूपीएससी स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकती है। एक तो ये पूछ सकती है कि क्या इंडिया वो थर्ड नंबर पे है नहीं है, तो देखो हाँ बिल्कुल सही है कि न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के मामले में देखा जाए तो इंडिया थर्ड नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में, और सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जा रहे हैं चाइना में, तो ये चीज। और दूसरा इंपॉर्टेंट आश्चर्यजनक फैक्ट वही है कि न्यूक्लियर पावर है उस पर बाकी वर्ल्ड की सारी कंट्रीज है वो फोकस धीरे धीरे हटा रही है। क्यों हटा रही है, क्योंकि देखो न्यूक्लियर जो रिएक्टर वगैरह होते हैं ना वो काफी खतरनाक होते हैं, जब तक काम करें तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर उनमें कोई भी दुर्घटना हो जाती है ना तो उसका इंपैक्ट वो बहुत लंबे टाइम तक होता है। जिस प्रकार आप देख सकते हो कि कुछ साल पहले हिरोशिमा के सॉरी वो जापान के फुकुशिमा रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ था तो वहां पे काफी ज्यादा जानमाल की हली हुई थी। आप देख सकते हो जापान तो काफी डेवलप कंट्री है, उसके बाद उस कंट्री को अगर इतना नुकसान हुआ तो अगर बाकी कोई और कंट्री हो चाहे इंडिया हो या फिर बाकी किसी भी कंट्री का एग्जांपल ले सकते हो तो वहां पे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो मतलब मेन बात यह है कि भाई न्यूक्लियर पावर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए सभी कंट्रीज ये चाहते हैं कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस किया जाए, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ फोकस कम किया जाए। इसीलिए पूरे वर्ल्ड की जो कंट्री है बाकी देश है वो धीरे धीरे न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर फोकस वो अपना कम कर रहे हैं, बाकी और जो सोलर एनर्जी हुई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन पे ज्यादा फोकस है वो कर रही है। तो ये दो फैक्ट हमें थोड़ी यहाँ पे ध्यान रखनी है, हम जल्दी में एग्जाम में उल्टा सीधा टिक मार्क कर सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे, अगली न्यूज है वो है यूनाइटेड नेशन पीस प्राइस 2017 के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन पीस प्राइस 2017 है वो किसको देगा, सबसे पहली बात तो है यह दिया गया था नाइजीरिया के एक लॉयर है जिनका नाम है जनाह मुस्तफा, तो जनाह मुस्तफा को यह दिया गया था। तो एक तो लोकेशन अभी हम देखने वाले हैं, दूसरा क्यों दिया गया था, इसलिए दिया गया था क्योंकि वहां पे नाइजीरिया में एक सिटी है जिसका नाम है चिबोक, तो इस चिबोक सिटी के अंदर एक वहां पे आतंकी संगठन है मिलिटेंट्स ग्रुप है जिसका नाम है बोको हराम, उसने वहां पे कुछ लड़कियों को कैद कर रखा था तो उनसे उन्होंने छुटवाया था जो है नाइजीरिया के लोग थे जनाह मुस्तफा ने, तो इसलिए। तो एक तो देखो यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि बोको हराम, तो ध्यान रखना कि बोको हराम जो आतंकी संगठन है वो भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल कहाँ से रिलेटेड है, नाइजीरिया से रिलेटेड है। जैसे तालिबान कहाँ से है, तालिबान मेनली अफगानिस्तान से है, तो इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन में द फॉलोइंग में इनको पूछ सकती है। तो ध्यान रखना कि बोको हराम है वो नाइजीरिया से रिलेटेड है, लोकेशन अभी हम एक बार मैप में इनको साथ साथ देख लेते हैं। ये यहाँ पे नाइजीरिया की लोकेशन, एक सेकंड थोड़ा, ये आपको लोकेशन दिख रही होगी, यहाँ पर एक बार थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये रहा, ये रहा नाइजीरिया की लोकेशन। आप देख सकते हो इस वाले एरिया में मतलब वेस्टर्न कोस्ट पे इसकी लोकेशन मेनली, और यहाँ पे नाइजर यूर भी है ध्यान रखना है, जिसमें जिसे तेल यूर के नाम से भी जाना जाता है, वो हम एक बार देखो जब वापस मैपिंग एक बार डिस्कस करेंगे जल्दी से रिवाइज के लिए। वैसे तो हमने मैपिंग के लेक्चर वो पहले डिस्कस कर लिए थे दिसंबर के टाइम में, पर एक बार फिर हम सारे जो लेक्चर्स हैं उन मैपिंग के उनको एक जगह रिवाइज करके समराइज करके और रिवाइज कर लेंगे जल्दी से, ताकि हमारा मैपिंग का कॉन्सेप्ट वापस रिवाइज हो जाएगा। तो नाइजीरिया ये लोकेशन देख सकते हो, यहाँ पे आतंकी संगठन बोको हराम उसको लेके न्यूज थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। आगे चलते हैं, अगली न्यूज है वो आई है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2018 के बारे में। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2018 है, उसमें वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी को काउंट किया गया था, और सबसे सॉरी वर्ल्ड की टॉप 1000 यूनिवर्सिटी को। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसा कि हम काफी बार डिस्कस भी किया करंट अफेयर में, कि इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी है वो टॉप 100 में नहीं थी, तो ये इंडिया के लिए काफी शर्मनाक बात थी। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि भाई इंडिया ने कौन सा ऐसा अभी प्रोग्राम या स्कीम चलाई है जिसमें इंडिया की रैंकिंग सुधारनी हायर इंस्टीट्यूशन की, जिसे हम एक्चुअली अभी आजकल डिस्कस भी कर रहे थे। इसी के बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ब्रिक्स कंट्रीज में देखा जाए तो चाइना वो हमसे ऊपर, मतलब चाइना की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 100 में शामिल है, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि भाई इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी वो टॉप 100 में नहीं है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2018 के तहत की बात है।
आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज है वो ये इंटरनेशनल इनिशिएटिव ऑफ लो मीट्स के बारे में। तो इसके बारे में देखो कुछ ज्यादा न्यूज तो है नहीं है, बस पहली बात इसमें ये दिया गया है कि जो इंटरनेशनल लेवल के जो लॉयर्स हैं उनके द्वारा इसे बनाया गया था 1873 में। काम क्या है इसका? इसका काम ही है मेनली कि जो इंटरनेशनल लेवल के जो भी मुद्दे होते हैं उन पे लॉयर्स आपस में एक जगह से मतलब समझौता वगैरह बातचीत करना या जो भी रिजल्ट होता है उस पर फोकस करते हैं। मतलब इंटरनेशनल लेवल के जो मुद्दों पर लॉयर है वो आपस में एक तरीके से जो भी कम्युनिकेट करता है जो भी रिजल्ट आना है उसके लिए काम करते हैं। बस न्यूज में इंपॉर्टेंट यही है कि भाई इस बार पहली बार जो इसके ये लॉयर्स हैं इंटरनेशनल लेवल के इंडिया में मिल रहे हैं। तो मतलब 78वां सेशन है वो ग्लोबल लेवल की मीटिंग है वो इंडिया में हुई, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी में भी यूपीएससी पूछ सकती है। एक इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट आता है वो ये आता है कि भाई जो लो मीट हो रही है इनकी, इनको एक्चुअली नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है 1904 में शांति के लिए। ये चीज हमें ध्यान रखनी, नोबेल पीस प्राइज मिला था इनको, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे थोड़ा आ जाता है। देखो एक कुछ न्यूज ऐसी होती है जिनको हम एक दो बार अगर न्यूज में आंखों से देख लेते हैं तो फिर हमें एग्जाम में काफी हेल्पफुल मतलब काफी फायदा हो जाता है। तो इसलिए कुछ न्यूज अगर आपको समझ में भी नहीं आती है तो एक बार आप रिवाइज कर लेना, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज है वो ये EFTA के बारे में, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बारे में। तो इसके बारे में देखो हम थोड़ा ढंग से देख लेते हैं, ये यूपीएससी में भी पूछ सकती है कि यूरोपियन यूनियन है, ये दो तीन ग्रुप्स हैं इनके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, इसके चार मेंबर है, हमें ये ध्यान रखना है। फ्री ट्रेड एसोसिएशन के चार मेंबर कौन कौन से हैं? पहला है स्विट्जरलैंड, दूसरा है नॉर्वे, तीसरा आइसलैंड और चौथा है लिक्टेंशियन। तो ये ध्यान रखना है कि चार मेंबर हैं इसके, ये इंपॉर्टेंट बात होती है क्या? जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन है वो एक इकोनॉमी के लिए ग्रुप बनाया गया है ना, कि सभी कंट्रीज हम अपनी इकोनॉमी को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं मिलकर, उसी तरीके से EFTA एक ग्रुप है वो बनाया गया। इसमें चार कंट्रीज हमने देख ली कौन कौन सी है। अगली इंपॉर्टेंट बात आती है एक EEA के बारे में, यूरोपियन इकोनॉमिक एसोसिएशन। तो यूरोपियन इकोनॉमिक एसोसिएशन है ना, उसके अंदर क्या देखो चीज है, उसमें एक तो यूरोपियन यूनियन के सारे देश शामिल है, ध्यान रखना है हमें। अभी यूके तो शामिल इसमें है नहीं, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी के साथ ये के अंदर यूरोपियन यूनियन प्लस आयरलैंड, नॉर्वे और इसी के साथ लिक्टेंशियन ये शामिल है, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखने की। भैया स्विट्जरलैंड इसमें शामिल नहीं है, मतलब यूरोपियन जो यूरोपियन इकोनॉमिक एसोसिएशन है उसका स्विट्जरलैंड मेंबर नहीं है, बस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। बाकी हमने यूरोपियन फ्री ट्रेड जो एसोसिएशन है उसमें स्विट्जरलैंड भी मेंबर है, उसके चार मेंबर जो हमने डिस्कस किया स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड और लिक्टेंशियन, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। क्या ग्रुप का मेन काम हो ये कि भाई इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, क्योंकि नाम ही साफ से पता चला कि यूरोपियन इकोनॉमी है, तो मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड यह ग्रुप है, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनसे डील करने के लिए यह बनाया गया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि EEA का मेंबर कौन है, EEA का मेंबर वो स्विट्जरलैंड नहीं है, और EFTA का मेंबर कौन है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेंशियन। ये है लोकेशन, एक बार इनकी मैप में हम देखो एक बार देख लेते हैं। वैसे आप भी एक बार मैप में अपने पास लोकेशन वो देखते रह रहे साथ साथ, ताकि हमारा काम और भी आसान हो होता जाएगा, तो क्योंकि हमें और ज्यादा ढंग से डिस्कशन और अच्छे से उतरेगी। यहाँ पे नॉर्वे है, यहाँ पे आयरलैंड है, आप देखते हो फिनलैंड है, स्वीडन है, और ये मेनली यहाँ पे लिथुआनिया, डेनमार्क वगैरह। तो देखो लोकेशन हमने काफी बार डिस्कस भी किया है, पर एक बार फिर भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे इन सबको। यहाँ पे आइसलैंड है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज है वो आई है अंडरसी गैस पाइपलाइन के बारे में, कि अंडरसी गैस पाइपलाइन है कि और एक प्रस्ताव हुआ अभी तक ईरान और इंडिया के बीच में। देखो बात ऐसी है, इसके लिए भी एक बार चलो मैप वापस निकाल लेते हैं, कि आप जानते हो कि इंडिया की ईरान के साथ डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, मतलब इंडिया ईरान डायरेक्ट एक्सेस हुआ नहीं, इसलिए इंडिया को क्या करना पड़ता है, पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ता है अगर लैंड के थ्रू कनेक्टिविटी चाहिए तो। और इसी वजह से दिक्कत क्या हो रही है कि जो अफगानिस्तान से यहाँ से जो तुर्कमेनिस्तान से जो पाइपलाइन लाने की बात थी ना, उसमें क्या कि सबसे ज्यादा टांग अड़ा रहा था पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान तो बार बार टांग अड़ाने का काम ही करता है। तो इसलिए भी ईरान से भी नेचुरल गैस वो काफी अच्छी मिलती है इंडिया को, इंडिया वहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में इम्पोर्ट करता है। तो इंडिया ने सोचा कि क्यों ना भाई एक अंडरसी गैस पाइपलाइन बना दीजिए, मतलब इस वाले रूट से सी के थ्रू इंडिया से कनेक्ट कर दें, ताकि पाकिस्तान का झंझट वो खत्म हो जाए। तो इसीलिए एक प्रस्तावित गैस पाइपलाइन है जिसको लेकर न्यूज को हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि है कहीं। तो वो ये कि अंडरसी गैस पाइपलाइन है ईरान से, ईरान के बीच में पाकिस्तान को हटाने के लिए, पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए। तापी किसे लेटर है? तापी हमने देखा था तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के थ्रू है। और आईपीए क्या है? ईरान, पाकिस्तान और ये इंडिया के बारे में। तो आईपीए गैस पाइपलाइन भी हमें ध्यान रखनी, आईपीए क्या है, तापी क्या है और ये पाकिस्तान से बचने के लिए अंडरसी गैस पाइपलाइन भी हमने यहाँ पे देख ली है। आगे चलते हैं। अगली न्यूज वो है बाली डिक्लेरेशन के बारे में। तो बाली डिक्लेरेशन है क्या? सबसे पहली बात यह है कि बाली डिक्लेरेशन है ये मेनली वर्ल्ड पर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म का सबमिट हुआ था अभी रिसेंटली, उस सबमिट में से अडॉप्ट किया गया था।
क्या न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसको इंडिया ने समर्थन नहीं दिया था। समर्थन इसलिए नहीं दिया था क्योंकि देखो जो ये बाली डिक्लेरेशन थे ना, इसमें रोहिंग्या का इश्यू था थोड़ा कुछ। और आपको पता कि इंडिया है वो म्यांमार के साथ अपने रिलेशन है वो इंप्रूव करना चाहता है, मतलब इसमें रोहिंग्या को थोड़े राइट्स वगैरह कुछ तो उनको क्रिटिसाइज वगैरह का इश्यू था, इसीलिए उनको ढंग से राइट्स वगैरह नहीं दे गए थे। तो इंडिया ने इसका सपोर्ट नहीं किया कि नहीं भाई हम बाली डिक्लेरेशन का स्वागत नहीं कर रहे। तो इंडिया ने उसको स्वागत समर्थन है वो सपोर्ट किया नहीं क्यों, रोहिंग्या के इश्यू से, क्योंकि इंडिया वो म्यांमार के साथ अपने रिलेशन है वो खराब नहीं करना चाहता, तो इसीलिए है न्यूज में थी। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड जो पार्लियामेंट्री फोरम है उससे यह रिलेटेड है, उसका समिट हुआ था उसके दौरान इसे अडॉप्ट किया गया था, इंडिया ने इसे सपोर्ट है वो नहीं किया था। आगे चलते हैं, अगली जो न्यूज है वो आई है ऑपरेशन इंसानियत के बारे में। देखो ऑपरेशन इंसानियत के बारे में हमें यह ध्यान रखना है कि इंडिया ने ऑपरेशन इंसानियत वो बांग्लादेश में चलाया है। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ऑपरेशन इंसानियत है इतना तो याद रहता है कि हाँ रोहिंग्या से रिलेटेड था तो जल्दी से म्यांमार टिक कर देते हैं, म्यांमार से टिक नहीं करना है हमें, ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि जो म्यांमार से जो रिफ्यूजीज है वो क्या थे बांग्लादेश में आ रहे थे, तो बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर वो बढ़ रहा था लोगों का, तो इसीलिए इंडिया ने सोचा कि क्यों ना भाई बांग्लादेश की थोड़ी हेल्प कर दी जाए ताकि वो रिफ्यूजीज हमारे इंडिया में ना आए, उनको वहीं पर रोका जाए। इसीलिए इंडिया ने उनको जो रिफ्यूजीज की मतलब रोकने के लिए क्या कि इंडिया ने डेली खाद्य सामग्री राहत सामग्री वो भेजी थी और वो चला, इसी को कहते हैं ऑपरेशन इंसानियत। तो ये हमें जाना कि ऑपरेशन इंसानियत है वो इंडिया ने बांग्लादेश के अंदर रिफ्यूजीज क्राइसिस को टैकल करने के लिए चलाया था। आगे चलते हैं, अगली जो न्यूज है वो आइए सूर्य किरण आर्मी एक्सरसाइज के बारे में। तो सूर्य किरण आर्मी एक्सरसाइज है वो इंडिया और नेपाल के बीच में है, किस लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट आतंकवाद जैसी मुद्दों से निपटने के लिए एक्सरसाइज की जा रही है, बेसिक सी न्यूज थी। आगे चलते हैं, अगली जो न्यूज है वो आइए इंडिया जापान ईस्ट एक्ट फोरम के बारे में। इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम हम देख लेते हैं, तो इसके लिए देखो थोड़ा वापस मैप पे चलते हैं, मैप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आईआर वाले मैटर में हमारे लिए। एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे है चाइना, सो चाइना क्या है, ये यहाँ पे है मतलब जापान, और ये यहाँ पे है चाइना, और ये यहाँ पे है साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, और ये यहाँ पे साउथर्न कंट्रीज हैं, इंडिया वगैरह नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यांमार वगैरह सब में देख लिया। अब देखो क्या है, इंडिया के लिए आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ने इसके लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी काफी सारे काम प्रोग्राम मिशन से वो चला रखे एक तरीके से। और रही बात साइन इसके लिए जापान के लिए, तो जापान के लिए भी ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आपको पता है कि जापान का और चाइना का इस वाले एरिया में काफी विवाद रहता है, तो जापान की भी आपको पता है कि चाइना के साथ ज्यादा बनती नहीं है, उनका तो बहुत 36 का आंकड़ा का सीन है, तो इसलिए जापान क्या है कि इन देशों के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव करना चाहता है इस वाले में, क्योंकि ये पैसिफिक वाला एरिया जाता है, तो जापान भी इस जो ये साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है इनके साथ रिलेशन इंप्रूव करना चाहता है। और मतलब हुआ क्या कि जापान के लिए साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं वो इंपॉर्टेंट है चाइना को काउंटर करने के लिए, और इंडिया के लिए भी आपको बताया कि साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं वो इंपॉर्टेंट है। मतलब कुल मिला के बात क्या हुई, कुल मिला के बात ये हुई कि भाई इंडिया और जापान दोनों के लिए ये वाला एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए दोनों कंट्रीज एक साथ आ रही हैं ताकि नॉर्थ ईस्ट के एरिया का डेवलपमेंट हो सके और चाइना को काउंटर किया जा सके। ये सीन था पूरा जो हमारे लिए काम का न्यूज था। तो मेन बात ये कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए ये फॉर्म बनाया गया था, इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम, इंडिया और जापान दोनों मिलके एक्ट ईस्ट फोरम पे काम करेंगे, जो हमारी पॉलिसी थी एक्ट ईस्ट मतलब ईस्टर्न जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज उन पे काम करने की, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है वो हो जाती है। जापान का जैसा मैंने डिस्कस किया कि जो ओपन एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी है वो जैसा अभी बताया मैंने आपको कि मैंने साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज जापान के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि वहां पे आपको पता है साउथ चाइना सी है, बाकी सारे डिस्प्यूट रहते हैं तो पैसिफिक के लिए। इसके साथ इंडिया है, इंडिया को भी आपको पता है कि साउथ ईस्ट की कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट काफी अहम होता है इंडिया के लिए, इसीलिए इंडिया ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी वगैरह चलाई थी क्यों, चाइना को काउंटर करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक न्यूज थी, तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। फिलहाल डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।